नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला, कांवड़ यात्रा निकालने की दी गई अनुमति। आइए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को निकालने की अनुमति दे दी है। वहीं कांवड़ को लेकर जिला प्रशासन को शासन की गाइडलाइंस का भी इंतजार है। यूपी में कांवड़ यात्रा की अनुमति के बाद उत्तराखंड सरकार के फैसले पर कांवड़ यात्रा टिकी है। अब देखना यह होगा कि कांवड़ यात्रा के बारे में उत्तराखंड सरकार का क्या फैसला रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर से सावन के महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार गंगा से जल लेने काफी भोले के भक्त जाते हैं, जिसके चलते लोगों को प्रशासन की गाइडलाइंस का इंतजार है। आपको यह भी बता दें कि कोविड-19 के चलते पिछले साल कांवड़ यात्रा नहीं निकाली गई थी। इस बार मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा के लिए अनुमति दे दी है, तो वहीं 25 जुलाई से शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। और यह भी बता दें कि सावन महीने में कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या भोले के भक्त हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल लाते हैं। बिजनौर की सभी सड़कों पर भोले बाबा के नाम के जयकारे गूंज उठते हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा की अनुमति के बाद अब उत्तराखंड सरकार के फैसले पर कांवड़ यात्रा टिकी हुई है। अगर उत्तराखंड सरकार से सहमति नहीं बनी तो हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर, बुलंदशहर के नरोरा, बिजनौर के गंगा बैराज और मुजफ्फरनगर के शुक्रताल ही आस्था के केंद्र बनते हैं। भोले के भक्त इन आस्था के केंद्रों पर पहुंचकर गंगा जल लेंगे, जिससे बिजनौर के कारोबारियों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। तो वहीं जाम जैसी परेशानियों से भी लोग जूझेंगे, जिससे गंगा बैराज के पुल पर लोगों का वाहनों के साथ निकलना मुश्किल हो जाएगा और रूट बदलने के चलते लंबा सफर हो सकता है। इसे लेकर फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि उत्तराखंड सरकार कांवड़ियों को हरिद्वार से गंगा जल लाने की अनुमति दे दे। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ ठीक रहेगा। वहीं इसे लेकर डीएम उमेश मिश्रा का कहना है कि इसे लेकर शासन की कोई गाइडलाइंस नहीं है, शासन का आदेश होगा उसी के अनुरूप कार्य किया जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट में शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर खबर की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, अगर आप हेल्दी, टेस्टी एंड वेजिटेरियन फूड खाने के शौकीन हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। माय चैनल नेम इज कुक विद सुनीता चिकारा। धन्यवाद।